तो दोस्तों काइन मास्टर से आप इस तरह का व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों काइन मास्टर से आप इस तरह का वीडियो बनाने के लिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको काइन मास्टर को ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपको प्लस वाला आइकन में क्लिक करना है। तो दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको इमेज साइज सिलेक्ट करना है। अब व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको 1x1 में क्लिक करना होगा, और आप यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको 16x9 में क्लिक करना होगा। तो मैं 1x1 में क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों आपको मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपको बैकग्राउंड में जाना है, बैकग्राउंड आपको सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद दोस्तों बैकग्राउंड आ जाएगा। तो बैकग्राउंड किस तरह का बैकग्राउंड आप देना चाहते हैं बैकग्राउंड आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों आप कितना सेकंड का वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस बैकग्राउंड को उतना लंबा खींचना है। तो चलिए मैं थोड़ा लंबा कर देता हूँ, मैं 10 सेकंड का कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको इस एरो में क्लिक करना है। तो दोस्तों अभी आपको लेयर में जाना है, आपको लेयर में क्लिक करना है। लेयर में क्लिक करने के बाद आपको मीडिया में जाना है। उसके बाद आपको आपका इमेज सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं 2 इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। इमेज सिलेक्ट करने के बाद आपको साइज आपको सिलेक्ट करना है। दोस्तों आपको साइज सिलेक्ट करने के लिए इस बीच में जाना होगा। तो क्लिक करने के बाद देख सकते हो आपको ये साइज सिलेक्ट करना है। तो स्क्रीन में फिट हो गया। उसके बाद आपको इस एरो में क्लिक करना है। तो एक वीडियो हमारा, एक इमेज हमारा सेट हो गया। उसके बाद थोड़ा आगे करना है। आगे करने के बाद आपको और एक इमेज सिलेक्ट करना है। तो इमेज सिलेक्ट करने के फिर से आपको लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद फिर से आपको मीडिया में जाना है, और फिर से एक इमेज आपको सिलेक्ट करना है। तो फिर से एक इमेज में सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको फिर से बीच में जाना है, और आपको आपका साइज सिलेक्ट करना है। इस साइज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इस एरो में फिर से आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों देख सकते हो 2 इमेज सेट हो गया। तो इमेज को आगे पीछे कर सकते हो। तो उसके बाद देख सकते हो 2 इमेज सेट हो गया। तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस बैकग्राउंड को थोड़ा कट करना है। दोस्तों कट करने के लिए इस बैकग्राउंड में आपको क्लिक करना होगा। तो बैकग्राउंड में क्लिक करना है। उसके बाद आपको कैंची वाला इस बीच में आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ट्रिम टू, उसके बाद आपको जाना है ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड, इसमें आपको क्लिक करना होगा। तो क्लिक करते ही देख सकते हो कट गया। तो उसके बाद आपको एरो में क्लिक करना है। तो अभी इस इमेज को अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस इमेज में क्लिक करना होगा। नीचे आपको इमेज, इस इमेज में आपको क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन इन एनिमेशन, इसमें आपको क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों क्लिक करने के बाद नीचे जो ऑप्शन है, ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। देख सकते हो इस तरह का, तो अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिलेक्ट करना है आपको कौन सा पसंद आता है, तो इस तरह का आएगा। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, बैक में जाना है, और फिर से आपको नीचे वाला में सिलेक्ट करना है ओवरऑल एनिमेशन। तो इसमें आपको क्लिक करना है दोस्तों। नीचे तरफ आपको ऐसा दिखते जाना है।
देख सकते हो किस तरह का है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से बैग जाना है फिर से, और आपको नीचे जाना है आउट एनिमेशन। आपको आउट एनिमेशन में जाना है, देख सकते हो इस तरह का नीचे तरफ ऐसा जाना है आपको। आपका हिसाब से चूज करना है आप किस तरह का रखना चाहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आपको इस एरो में क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद एक सेट हो गया, एक इमेज सेट हो गया। तो दोस्तों उसके बाद फिर से दूसरा इमेज को ऐसा करना है, फिर से आपको जाना है इन एनिमेशन में, इन एनिमेशन में क्लिक करना है। तो दोस्तों उसके बाद बैक जाना है, फिर से आपको ओवरऑल एनिमेशन में क्लिक करना है, आपके हिसाब से रखना है आप। तो देख सकते हो बहुत अच्छा अच्छा इमेज देखने को मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों उसके बाद राइट में क्लिक करना है, राइट में क्लिक करने के बाद आपको प्ले करना है। इस तरह का आपका वीडियो बन जाएगा। तो दोस्तों सारा कुछ लगाने के बाद अभी आपको, आप ऑडियो देना चाहते हैं तो ऑडियो कैसे लगाना है, ऑडियो लगाने के लिए आपको ऑडियो में क्लिक करना होगा। तो ऑडियो में क्लिक करने के बाद आपका जो भी म्यूजिक है, म्यूजिक यहाँ शो करेगा। तो एक म्यूजिक में सिलेक्ट करके देखा देता हूँ। तो म्यूजिक प्लस वाला आइकन में क्लिक करते ही गाना सेट हो जाएगा। उसके बाद इस एरो में आपको क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद देख सकते हो गाना सेट हो गया। उसके बाद आपको प्ले में क्लिक करना है, किस तरह का होता है देख। तो इसी तरह से काइन मास्टर से आप व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो बना सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करना, और चैनल पर नए को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाना। जय हिंद, वंदे मातरम।